गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है छुट्टी, ईद की छुट्टी मिली है हमें एंड यू नो व्हाट, मैंने सोचा था मैं लेट तक सोऊंगी बट मैं जल्दी उठ गई। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, आज मेरा मन है अंडा खाने का, खाने का मन कुछ और था बट छोटू नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि मैं नीचे नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि लिफ्ट चल नहीं रही है और मेरे को सीढ़ी से ऊपर नीचे नहीं होना है और छोटू उठ नहीं रहा है, बोल रहा मैं क्यों जाऊँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं अपने लिए अंडा बॉईल कर रही हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट में अंडा खाऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए जाते हैं, अभी तो फुली डिसाइड नहीं हुआ है कि हम कौन सा मार्केट जा रहे हैं, तो बस फटाफट से मैं रेडी होती हूँ यहाँ पे। जब तक अंडा बॉयल हो रहा है मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और फटाफट से नहा धो के आती हूँ, तैयार होती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ। जल्दी जाऊंगी तो जल्दी वापस आऊंगी। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैं एकदम तैयार हो गई हूँ और मैं पतली हो गई पहले से। देखो ये कितना ढीला हो गया है, जीन्स भी ढीला हो गया है, जॉर्डन गया बस मैं पतली हो गई, जॉर्डन था तो मैं मोटा आ गई थी, जॉर्डन गया तो मैं पतली हो गई। और ये देखो ये भी जा रहा है हमारे साथ, इसको जबरदस्ती लादना है मेरे अपने आप को मेरे ऊपर, मैं इसको लेके जाना नहीं चाहती हूँ। और मेरे को सच्ची बताऊँ इसकी वजह से जाने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरा और खर्चा करवाएगा। माइलू को देखो कैसे बन मांग रहा है, दे दे वो लंगड़ा रहा है, लंगड़ा रहा है वो, देखो उसका पैर वो हो रहा है, दे दे उसे थोड़ा सा, खुद ने आदत डाली है अब दे नहीं रहा उसे। आजकल ये वाला टी शर्ट बहुत चल रहा है ना, ट्रेंडिंग में है, हर किसी के पास देखो ये वाला टी शर्ट है, रोड में भी नॉर्मल। तो बस ये नाश्ता कर रहा है, कब से बोल रहे थे नाश्ता कर ले, ये मेरे लिए तो लेकर नहीं आया, जब हम निकलने का टाइम हो रहा है तो ये ब्रेड और बन लेके आया और जब मैं चिल्ला रही थी तो गया नहीं। तो एनीवेज बस निकलते हैं, हम लोग तैयार हो गए और भाभी यहाँ बैठी हुई है, भाभी नायडू के साथ इंजॉय करेगी और यहाँ पापा लेटे हुए हैं और मम्मी आज सिलाई, कपड़ों की सिलाई विलाई कर रही है, छटाई कर रही है। अभी तक जूता नहीं पहना है, अब तो कौन लेट करा रहा है, तू? मैं लेट करा रही हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ, कब से तैयार हुआ बैठा मैं, तू तैयार बड़ा तैयार हुआ है, जूता पे क्यों पहन रहा है। तो मानसी भी हमारे साथ जाएगी, वो आ गई है, हाय, सदर डाल के देख ले, सदर बजाना, हेलो बोल दे, हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मानसी कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, सदर सदर के लिए। अरे फिर अभी हम लोग निकल चुके हैं, मानसी को हमने पिक कर लिया है, छोटू हमारा ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और देखो इतना लंबा जाम मिल गया। और ये पूरा जाम जो है ना ये हमें गूगल मैप में उत्तम नगर तक दिखा रहा है पूरा, ये देखो। तो अब सोच रहे हैं कि हम लोग यू टर्न लेके द्वारका की तरफ से चलते हैं, पहले प्लान था कि हम लोग जाएंगे मेट्रो से बट अगर कहीं पे किसी मार्केट में हमें सामान पसंद नहीं आया तो फिर मेट्रो से इधर उधर लेके प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा गाड़ी से चलते हैं फिर वहाँ से देख लेंगे। मेरे ख्याल से ना रैली निकल रही है, देख ये लोग जा रहे हैं ना झंडा वंडा लेके, तो ये लोग देख पक्का, तो मेरे ख्याल से रैली निकल रही है उस वजह से जाम लगा है। कोई नहीं, हम लोग द्वारका से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा फिर हम लोग निकल जाते हैं। आधे घंटे के बाद हम लोग जाम से निकले और अब पता नहीं कब
हमारी अबला नारी रोड के किनारे बैठी हुई थी इतनी देर से, अरे जाम लगा हुआ था। चलो हमको फूड कोर्ट से कुछ लेने की सोच रही हूँ, भूख लग रही है। गाइस यहाँ पे फूड कोर्ट में हम लोग आ गए हैं, बहुत तेज से भूख लग गई है। तो ये रहा पैम्पलेट, अरे मोमोज ले लेते हैं। दो चिकन रोल कर दीजिए और एक हमारा पनीर मोमोज और एक चिकन। तो गाइस हमने ऑर्डर दिया है पनीर मोमोज, फिर चिकन मोमोज और फिर हमने दो कीमा रोल ऑर्डर किए है। बहुत दिन से कीमा नहीं खाया था तो सोचा, और ये लोग पी रहे हैं पेप्सी। मैं पी नहीं सकती हूँ, मैं पीऊँगी अपना नॉर्मल पानी जो मैंने बैग में धो के देखा है। एक पनीर दाल वाला, एक पनीर है और एक है चिकन मोमोज। तो ये है पनीर मोमोज और ये है चिकन मोमोज। अब चिकन छोटू चिकन वाले में वो कर रहा है। तो गाइस हमने ये जो रोल है ना, ये बाप ऑफ रोल से लिया है। और रिया कैसे लगा? मुंह बना रही है, इसका मतलब अच्छा नहीं है। छोटू रही फोन में लगा है। और मानसी सही सही बताइयो, ना गाइस मेरे को ना इस रोल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट एकदम बहुत अजीब सा लग रहा है, मज़ा नहीं। हम बर्गर ले रहे थे इसकी वजह से हम लोगों ने रोल। अरे मुझे रोल खाने का मन कर रहा था, सच्ची में अच्छा नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस। आर के आश्रम में हम लोगों ने गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क किया, फिर वहाँ से हमने रिक्शा लिया और रिक्शा वाला यहाँ से सदर बाज़ार के लिए 20-20 रुपीस लेता है। तो हम लोग चारों रिक्शे में बैठ गए और जाने लग गए। बट यानी यू नो व्हाट, रास्ते में इतना जाम था और हमें समझ में नहीं आ रहा था इतना जाम क्यों है। जाम होता है बट कुछ ज़्यादा ही था। फिर आगे जाके देखा, हमने देखा कि वहाँ पर रैली निकल रही थी मुस्लिम्स की। एक तरफ तो मुस्लिम्स की रैली निकल रही थी और एक साइड हिंदूज का पंडाल वगैरह लगा हुआ था। उस वजह से बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था और हर जगह पुलिस वगैरह तैनात थे। तो गाइस हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं और कुछ नज़ारा ऐसे है जैसे कि आप देख सकते हो, जुलूस निकल रहा है। सदर बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था कि भाई मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, चुपचाप से अपना फ़ोन को बैग के अंदर डाल दिया क्योंकि चलने की ही जगह नहीं थी। लोग इतना धक्का मार रहे थे, एक तो रैली भी निकल रही थी, उस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया मार्केट का। हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे अगर मेरे को ठीक लगा तो। और अभी हम कौन सी जगह में हैं? अभी हम हैं इंडिया गेट के पास में, पर हम जाएंगे नहीं घूमने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, फिर जाम मिल जाएगा। ये रहा, तो हम हैं साउथ दिल्ली और मुझे साउथ दिल्ली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये साफ़ सफाई के मामले में पूरी दिल्ली में सबसे अच्छा है। यहाँ बहुत साफ़ सफाई होती है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी बहुत है, साफ़ सफाई। और रिया मैडम देखो लेट गई है, अपने जूड़ा बना के खोपड़ी में, जूड़ा बना के खोपड़ी में, वो जूड़ा तो खोपड़ी में ही बनते हैं। इस देखो 11 मूर्ति, देखो तो सबसे आगे है हमारे गांधी जी। गांधी जी के पीछे कौन है? हाँ नहीं चश्मा पहना है गांधी जी ने, चश्मा पहना है, तेरे ढंग से देख ले। पहना है उन्होंने, ढंग से देख। हाँ मुझे दिख रहा है, गांधी जी ने अच्छी तरह से चश्मा पहना हुआ है। कैसे दिखाएंगे? हाँ
और पीछे कौन कौन है मुझे तो नाम नहीं पता, तेरे को पता है? टोपी वाला, ये वाला है। तो गाइस इस जगह को बोलते हैं बारह मूर्ति, सॉरी ये है ग्यारह मूर्ति। मैं इस जगह पे ना वहां जाके कभी मैंने फोटो नहीं खिंचवा पाई, वो देखो कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये मेरे कॉलेज का रास्ता है, मैं जीएमसी से पढ़ी हूँ और ये रास्ता सीधा, मतलब ये कॉलेज का रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज ये वाला जो बस स्टैंड है ना, हम लोग यहाँ पे बस के लिए वेट करते थे कॉलेज के दिनों में, और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला जो अंदर जा रहा है ये पूरा सीधा जाके मेरे कॉलेज के रास्ते में था। ये ITC मौर्य होटल है, ये वाला दिल्ली का ये बेस्ट होटल में से एक है, और इसके आगे जो अब दिखेगा वो होगा हमारा ताज होटल। और ये यहाँ की ग्रीनरी देखो और साफ सफाई कितनी ज़्यादा है, इसीलिए मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कभी गंदा नहीं रहता है, हमेशा साफ सुथरा रहता है। और विंटर्स में ना जो कॉलेज वाला रास्ता है ना, उसमें वहाँ पर जो प्लांट ट्रीज है उसमें येलो फ्लावर्स लगते हैं, पत्ते दिखते ही नहीं है, सिर्फ येलो फ्लावर्स होते हैं। उस टाइम इतना अच्छा लगता था ना फोटोग्राफ वगैरह खींचने के लिए। तो ये रोड पर जब भी आती है तो कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। और ये आ गया हमारा ताज होटल, ये यहाँ पे इसका मतलब है, ये पेड़ों के पीछे है, मुझे पीछे दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, आपको यहाँ से दिखेगा। तो ये है ताज होटल, ये बहुत बड़ा है और ज़्यादातर फिल्म स्टार्स वगैरह आके ये तो ITC में या तो इसमें आके ज़रूर रुकते हैं, बट हाँ ये बहुत कॉस्टली भी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं इस होटल में जाके स्टे करूँ, बट अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ध्यान दिया तो पक्का मैं एक ना एक दिन इस होटल में ज़रूर जाऊँगी। एक मिला, और ये है धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन, और एक तरह से मॉल भी है, और बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है अंदर। और ये कट बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। सदर बाजार में मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था, उस वजह से हमने सारा सामान नहीं लिया। तो हम लोग आ गए हैं उत्तम नगर का आर्य समाज मार्केट, और यहाँ पे जो भी बचा कुचा था हमने यहाँ पे शॉपिंग किया, और फुटवेयर्स लेने थे वहाँ पे, हमें पसंद नहीं भी नहीं आया था और बहुत घूमना पड़ रहा था, तो यहाँ से हम लोगों ने फुटवेयर्स लिए, वो भी फैंसी वाले पार्टी वेयर फुटवेयर्स, और काफ़ी अच्छे अच्छे फुटवेयर्स थे। हाँ ये बात है, सदर बाज़ार में थोड़ा सा हमें चीप मिल जाता और यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली, बट तसल्ली से लिया, आराम से लिया, और मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। लड़की ने तो गाइस मानसी अब जाएगी अपने घर, हम पहुँच गए हैं, अपना सामान ले लें। तो यही छोड़ेगा मुझे तो अभी तो अपना सारा सामान ले लिया ना, वैसे कोई नहीं भरा, चल चल बाय बाय, आराम से जाइयो। चल तो मानसी गई, अब हम लोग भी घर पहुंचते हैं। फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं और छोटू और रिया सामान निकाल रहे हैं, और भी सामान होगा देख लो सारा ले लो, कुछ नहीं है ले लिया। तो चलो चलते हैं ऊपर, मायू हमारा वेट कर रहा होगा। ओली मिला बी टू वेट कर रहा ओली, मायू वेट कर रहा था। और ये मम्मी चाय नहीं बनाए, चाय वाय चढ़ा दो,
मेरे को तो लगा मम्मी चाय चढ़ा रही है। मैं घर आके नहा धो ली हूँ, इतनी गर्मी थी पूछो मत। कोई बोल नहीं सकता है कि दो तीन दिन लगातार बारिश हुई है, इतनी गर्मी हद से ज्यादा। एक तो आपने देखा था रैली निकल रही थी, और यहाँ पे देखो मम्मी चाय, मम्मी ने चाय चढ़ा दी हम लोगों के लिए। मम्मी हेलो बोल दो गाइस, हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे मम्मी ने चाय, थोड़ा सा चाय पीते हैं, क्योंकि भाई मम्मी के हाथ की चाय की बात ही अलग है। जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक थकावट नहीं जाएगी। और हम घर घुस रहे हैं 8:30 बजे, 12 बजे के निकले थे और हम 8 बजे वापस घर आ रहे हैं। तो चलो चाय पीते हैं। तो गाइस फाइनली हमने सारा सामान दिखा दिया मम्मी और भाभी को, और इन सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा हमारा सामान जो हम लेकर आए हैं, ये रहा। और अब आप लोग सोच रहे हो कि बस इतना सा सामान लाने के लिए इतना टाइम लग गया। एक्चुअली ज्वेलरी वगैरह ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग गया, ज्वेलरी फिर मिल गया तो हमें अपनी पसंद का मिला। एंड यू नो व्हाट, मैं ना इतना सफोकेशन हो रहा था, इतना भीड़ था कि मैं कभी यहाँ डगमगा रही थी, कहाँ वहाँ डगमगा रही थी। मैं सच्ची बताऊँ, एक तो बैठने की जगह नहीं थी, मैं पक्का गिर जाती। कभी मैं छोटू को पकड़ रही थी, एक तो मैंने पानी वगैरह भी नहीं पिया था, और मुझे तो बाद में याद ही नहीं है कि मैंने क्या सामान लिया क्या नहीं लिया। वो तो एक भैया मिल गए थे, नींबू पानी बेच रहे थे, नींबू पानी पी के थोड़ा सा अच्छा लगा। तो फाइनली ये हमारा सामान है, आप देख सकते हो। ये तो मानसी का है, मानसी ने कंचका के लिए लिया है, नवरात्रे आ रहे हैं ना उसके लिए। और ये सारा हमारा सामान है, ये रहा। और छोटू दोबारा नंगा हो गया है। हाय गाइस, अच्छी तरह से बोल रहे हाय गाइस। और भाभी, भाभी के लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं। भाभी पसंद आया? पसंद आया बिल्कुल। तो भाभी को अगर नहीं पसंद आएगा तो हम भाभी को दोबारा ले जाएंगे। पर सच बताऊं, आज हम बहुत गलत दिन में सदर बाजार गए थे, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा छुट्टी थी, इस वजह से हम लोग गए। मतलब 3 दिन की छुट्टी थी, बट मानसी और रिया की छुट्टी नहीं हो रही थी, उस वजह से मुझे आज जाना पड़ा। तो बस डिनर का टाइम हो गया है, अब हम करते हैं डिनर। आज हम बाहर से लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग थक गए थे, मम्मी लोग भी थक गए थे। तो आज हम लेकर आए हैं बिरयानी, माई ऑल टाइम फेवरेट। तो आज हम खा रहे हैं चिकन बिरयानी, तो देख सकते हो ये रहा हमारा चिकन विंग्स, और हम इसको खाएंगे। तो इंजॉय करते हैं बिरयानी को। और माइलू ऐसे देख रहा है बिरयानी को। माइलू को नहीं मिल नहीं, कोई नहीं खाता। तो गाइज हम करते हैं डिनर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी आवाज से आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो सी यू टुमारो इन माई अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।